दोस्तों, अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, कमर दर्द रहता है, वर्टिब्राज जिसे मन की कही जाती है, डिस्क कही जाती है, वो अपनी जगह से हिल चुकी है, तो जो इलाज मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसे करने के बाद सच में शर्तिया है ये बात, किसी और इलाज को करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने इस इलाज को पूरी तरह से फॉलो कर लिया। दोस्तों, इन दर्द को दूर करने का और इन दर्दों से बचे रहने का एक ही साधन है, वो है कॉलेजन। कॉलेजन का सेवन करना। आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये कॉलेजन हमारे शरीर को एक साथ जोड़ के रखने का काम करता है, ये हमारी मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़े रखने का काम करता है, यानी हमारी हड्डियों को सुरक्षित और सेफ रखता है। तो चलिए जानते हैं ये कॉलेजन हम किन चीजों के द्वारा अपने अंदर ले सकते हैं और इनके काम हमारे शरीर के लिए और क्या क्या है। हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है ये कॉलेजन। अगर हमारे शरीर में इस कॉलेजन की कमी आ जाए तो गठिया रोग हो जाता है, जिसे अर्थराइटिस कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद मांसपेशियां और जोड़ आपस में थोड़े गैप पर हो जाते हैं, जिसके कारण हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं। दोस्तों, ये कॉलेजन हमारे जॉइंट्स में एक स्ट्रेस होता है ना, जो उसको दूर करने का काम करता है। दोस्तों, हमारे दो जोड़ों या हमारे दो घुटनों के बीच में मेनिस्कस टियर होता है, जिसे कार्टिलेज कहा जाता है, इसे बनाने का काम भी कॉलेजन ही करता है। अगर ये मेनिस्कस टियर जो है वो खत्म हो जाए या घिस जाए तो घुटने आपस में या जोड़ आपस में टकराने लगते हैं, जिसके कारण ये दर्द होने लगता है। अब जानते हैं कि हम इस मेनिस्कस टियर को कैसे बना सकते हैं और अपने अंदर कॉलेजन को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कैसे ले सकते हैं। ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो हमारे घर में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, खाने वाली चीजें जिनमें कॉलेजन होता है। दोस्तों, जो कॉलेजन होता है ना, वो हमारी स्किन के ऊपर इलास्टिसिटी को बनाकर रखता है। हम अपनी स्किन को खींचते हैं और वापस छोड़ते हैं तो वापस अपनी सही शेप में आ जाती है, जैसे कि एक इलास्टिक हो। हड्डियों को मजबूती देने का काम भी यही कॉलेजन करता है। इसके अलावा हमारी पूरी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यूज में भी यही कॉलेजन काम करता है। हमारी मांसपेशियों में, हमारे नाखून, हमारे बाल, हमारे खून और इसके अलावा कार्टिलेज लिगामेंट्स को बनाए रखने का काम भी यही कॉलेजन ही करता है। दोस्तों, अगर इस कॉलेजन की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो हमारे चेहरे पर बहुत जल्दी झुर्रियां आने लगती हैं, जिसे रिंकल्स कहा जाता है। हड्डियाँ कमजोर पड़ जाती हैं, जॉइंट्स हैं, कार्टिलेज हैं, वो आपस में घिसने लगते हैं, कार्टिलेज खत्म हो जाते हैं, जॉइंट आपस में रगड़ खाने लगते हैं, जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है, सूजन शुरू हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि इस कॉलेजन को हम बहुत ही नेचुरल तरीकों से कैसे ले सकते हैं, खाने वाली किन चीज़ों के अंदर ये कॉलेजन पाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो हमारे किचन में बहुत आसानी से मिल जाती है वो है गार्लिक, यानी कि लहसुन। लहसुन के अंदर 33 तरह के सल्फर्स होते हैं, जो कि कॉलेजन को बनाने का काम करते हैं। अगर आप रोजाना 2 कली लहसुन खाते हैं, अब गर्मियां चल रही हैं तो जिनके शरीर का नेचर पित्त प्रकृति का है, तो वो 2 कली लहसुन रात को पानी में भिगो दें और सुबह आपने इस लहसुन को भी खा लेना है और इसका पानी भी पी लेना है। ऐसा करने से पित्त प्रकृति होने के बाद भी आपको इसके नुकसान नहीं होंगे। इसके अलावा दूसरी चीज जो हमारे किचन में मिल जाती है और एक सब्जी के रूप में मिलती है, वो है कैप्सिकम, जिसे शिमला मिर्च कहा जाता है, और शिमला मिर्च के अंदर भी ये कॉलेजन काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन आपने इस कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च को कच्चे रूप में ही सेवन करना है, पका कर खा रहे हैं तो इसका कॉलेजन नष्ट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, टमाटर के अंदर भी कॉलेजन होता है, लेकिन अगर आप इसे कच्चे रूप में खाते हैं और इसके बीज निकाल कर खाते हैं। दोस्तों, बीज नहीं खाने, इसका सिर्फ बाहर वाला खाना है। आप अगर 4 टमाटर रोज सैलेड के तौर पर खा रहे हैं तो कॉलेजन आपकी बॉडी में बनने लगेगा, आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, लिगामेंट्स मजबूत हो जाएंगे, आपकी हड्डियां और मांसपेशियां आपस में जुड़ी रहेंगी, जिसके कारण हड्डियां हमेशा सुरक्षित रहेंगी, आपको हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द कभी नहीं सताएगा। इसके अलावा दोस्तों, ब्लैक बीन्स यानी काले जो बीन्स होते हैं, उनके अंदर भी अच्छी मात्रा में कॉलेजन होता है। एक और चीज है जिसे स्पिरुलिना कहते हैं, स्पिरुलिना के अंदर भी काफी अच्छी मात्रा में कॉलेजन होता है। दोस्तों, ये स्पिरुलिना क्या है, ये कहाँ से लिया जा सकता है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि ये स्पिरुलिना जो है वो एक साफ पानी के ऊपर जो ग्रीन सी एक परत आ जाती है, हरे रंग की परत आ जाती है, उससे एक टेबलेट तैयार की जाती है, दवाइयां तैयार की जाती है, वो स्पिरुलिना होता है। तो इसके भी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन बात कर रहे हैं कॉलेजन की, तो ये स्पिरुलिना के अंदर कॉलेजन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा बात करें कुछ बीजों की,
कुछ बीज ऐसे हैं, सीड्स ऐसे हैं जिनमें कोलेजन होता है जो हमारी हड्डियों को मजबूती देने का काम करता है, मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों जिस चीज में कोलेजन होगा वो हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करेगा। तो कद्दू के बीजों के अंदर कोलेजन होता है और तिल के बीजों के अंदर, स्पेशली सफेद तिलों के अंदर भी अच्छी मात्रा में कोलेजन होता है। और जो नॉन वेजिटेरियन है और एग वगैरह खा लेते हैं तो एग के अंदर अच्छी मात्रा में कोलेजन होता है, लेकिन एग का जो छिलका होता है उसके जस्ट नीचे एक पतली सी परत होती है स्किन टाइप की, सिर्फ कोलेजन उसी के अंदर होता है, ना तो व्हाइट वाले के अंदर होता है ना एग के अंदर होता है जो आप नेचुरली खाते हो, लेकिन उसकी जो पतली सी स्किन होती है उसके अंदर ही कोलेजन होता है। दोस्तों ये जानकारी यहीं तक थी। अगर आपकी हड्डियों में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, जॉइंट पेन की समस्या है तो आज से ही आप अपनी डाइट के अंदर गार्लिक लहसुन का सेवन शुरू कर दीजिए, वो भी कच्ची का। टमाटर शुरू कर दीजिए, वो भी कच्चे, दोपहर के टाइम खाने। इसके अलावा शिमला मिर्च कच्ची खानी शुरू कर दीजिए, आपको ये दर्द कभी नहीं सताएंगे। दोस्तों ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।